सिनेमा हॉल में फाइटर मूवी देख रहे थे लोग, तभी दर्शकों के बीच पहुंच गए ऋतिक रोशन। फैंस को एक्टर ने दिया शानदार सरप्राइज, लोगों में लग गई एक्टर संग सेल्फी लेने की होड़। भाई आखिर फाइटर को देखने आए लोगों को सिनेमा हॉल में खुद ऋतिक रोशन के दीदार हो जाए तो क्या होगा, जाहिर है लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। जी हाँ, ये नजारा बीते दिन नवी मुंबई की एक थिएटर में दिखा। फाइटर फिल्म का शो चल रहा था, इसी बीच जैसे ही पिक्चर खत्म हुई तो ऋतिक रोशन, करण सिंह ग्रोवर, सिद्धार्थ आनंद और अक्षय ओबेरॉय लोगों को सरप्राइज विजिट देने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच गए। सिनेमा हॉल में ऋतिक जैसे सुपरस्टार को देख लोग जोश में आ गए और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने लगा। फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को अपने बीच में देखकर काफी एक्साइटेड हो गए और इस पूरे नजारे को खुद ऋतिक रोशन ने ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, और ये हो गया, यही कारण है कि जो मैं करता हूँ वो करता हूँ। इन मुस्कुराते चेहरों को देखकर बहुत खुशी हुई। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बाहर आते ही ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों को ऋतिक रोशन का ये सरप्राइज विजिट काफी पसंद आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लोग सिनेमा घर में फिल्म फाइटर देखते हुए तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं। सिनेमा घर से वायरल हुए इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया था और जमकर रिएक्शन दिया था। बता दें, बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर जब से सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, तभी से पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ आई है। हर तरफ ऋतिक रोशन की बेहतरीन एक्टिंग का जादू छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका संग ऋतिक की शानदार जोड़ी को पहली बार ऑन स्क्रीन देखकर भी फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच ऋतिक रोशन भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे और हर तरह से फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। 25 जनवरी को वैसे तो फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब तक इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे दिन फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं शनिवार को फिल्म ने 27 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म को साउथ इंडिया में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। माना जा रहा है कि संडे को भी इस फिल्म की धासु कमाई होने वाली है। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी बहुत अच्छी रेटिंग्स दी है और अब नजर इस बात पर है कि ये फिल्म 500 करोड़ क्लब में जगह बना पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।